दोस्तों ये देखो एक खुफिया रास्ते हैं, आप देख सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज मैं हूँ तकोनिया से आगे, सिंहासन एक शहर का नाम है। यहाँ बहुत पुराना खंडर है, फूतिया टाइप का खंडर, और दोस्तों यहाँ हम पहुँचे हैं। दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है, अभी आपको दिखाते हैं और यहाँ के पुराने खंडर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चलो वीडियो के साथ जुड़े रहना। दोस्तों ये देखो कितना पुराना खंडर, ये सामने शायद कोई मंदिर है। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं, चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। यहाँ टिकट लगती है 15 रुपये अंदर जाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत पुराना खंडर है, यहाँ पहले फुहारा होता था। अब तो ये कबूतर घर बन गया है, देखो कितने कितने सारे कबूतर हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये 1880 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था। दोस्तों ये ऑफिस रूम है, अंदर जाना मना है, आपको यहीं से दिखाते हैं। सब जगह ताले लगे हुए हैं, यहाँ एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। कोई भूतों वाली मूवी थी, उस फिल्म की शूटिंग हुई थी। दोस्तों ये पीछे जाने का रास्ता है, दोस्तों ये देखो एक खुफिया रास्ते हैं, आप देख सकते हो। इसके अंदर जानवर है, चमगादड़ है, ये अंदर के खुफिया रास्ते हैं। अंदर आप देख सकते हो चमगादड़ ही चमगादड़ है, इस टाइम सामने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ऊपर देखो सब लकड़ी का बना हुआ है। दोस्तों लकड़ी भी देखो कितनी मजबूत है। देख सकते हो ये पुराने जमाने का चूल्हा, दोस्तों यहाँ देखो एक जीप भी खड़ी है, ये पुराने जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए पहिए। और ये देखो आप इंजन देख सकते हो। दोस्तों ताला देखो कितना बड़ा है, ये पुराने जमाने का है। और छत की डेकोरेशन देखो कैसे है। ये कुछ सामान है लकड़ियों का पुराना, बाकी आगे सब रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। दोस्तों ये पुराने जमाने का कार्यालय था,
दे सकते हो। गेट भी कितनी मजबूती से बनाया गया है। आप देख सकते हो इसकी इमारतें गिर रही हैं धीरे धीरे। देखो कैसे खोखला हो पड़ा, इसमें लकड़ी का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ है। और देख सकते हो ये कैसे सीढ़ी बनाई हुई है ऊपर चढ़ने के लिए। और कितनी पुरानी लग रही है, इसे ज्यादातर पोतिया हवेली कहते हैं। यहाँ एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी। देखो यहाँ से कैसे धीरे धीरे इमारतें गिर रही हैं। दोस्तों इस टाइम हम आ गए हैं तो कुनिया रोड पे हैं। यहाँ एक मंदिर है, मैंने कहा आपको मंदिर भी दिखाया जाए, बहुत प्यारा मंदिर है। देख सकते हो ये मंदिर है और ये पीपल का पेड़ है और बहुत पुराना पेड़ है और बहुत ही बड़ा पेड़ है। आप देख सकते हो कितनी 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 बड़ी शाखाएं हैं इसकी। और ये आम के पेड़ हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है और आप देख सकते हो ये पीपल के पेड़ से कितने पुराने हैं। और ये हनुमान मंदिर,